हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के गुजरात ट्रिप में। आज हम आपको लेकर चलते हैं मोढेरा सन टेंपल में, जो गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में पुष्पावती नदी के किनारे बना हुआ है। यह सूर्य मंदिर भारत में वास्तु और मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना है। ये मंदिर गुजरात के मेन हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और साथ ही गुजरात के प्राचीन गौरव का प्रमाण भी है। मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाणा से 25 किलोमीटर और पाटन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों ही रेल और सड़क के रास्ते से देश के सभी भागों से जुड़े हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जो मोढेरा से 106 किलोमीटर दूर है। मोढेरा विजिट के लिए विंटर सीजन बेस्ट रहेगा, अर्थात अक्टूबर से मार्च तक। इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने सन 1026 में बनवाया था। 1000 साल पुराने इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखने लायक है। इसके पिलर्स, दीवारों और मंडपों पर बहुत ही सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है। इस मंदिर की दीवारों को आकर्षक मूर्तियों से सजाया गया है। इन मूर्तियों में रिलीजियस और माइथोलॉजिकल स्टोरीज और कैरेक्टर्स को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। उस समय की सोशल कंडीशंस और लिविंगहुड की झलक भी इन मूर्तियों में दिखाई देती है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंदिर गुजरात के टेंपल्स में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। इस मंदिर के तीन भाग हैं, जो एक ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पर और एक ही एक्सिस पर बने हैं। मुख्य मंदिर, सभा मंडप और पानी का कुंड। कुंड में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं और इसमें कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। सभा मंडप और पानी के कुंड के बीच में एक बड़ा तोरण द्वार है। इस तोरण द्वार की नक्काशी देखते ही बनती है। दोस्तों, अब हम इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। हमारे जो वीडियोस आपको पसंद आते हैं उन्हें लाइक करें और अपने कमेंट्स लिखें। इससे हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर पाएंगे और ज्यादा व्यूअर्स तक पहुँच पाएंगे। इस मंदिर में किसी तरह की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि मंदिर को विदेशी आक्रमण में खंडित कर दिया गया था। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव की सोने की मूर्ति को भी लूट लिया गया था। अब ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है और इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इस वर्ल्ड फेमस टेंपल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जोड़ने के लिए कहीं भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है कि सनराइज होने पर सूर्य की पहली किरण भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को गुजरात के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर भी खजुराहो जैसे स्कल्पचर्स मौजूद हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को धर्मारण्य जाने की सलाह दी थी। कहा जाता है भगवान राम ने धर्मारण्य में आकर एक नगर बसाया, जो आज मोढेरा के नाम से जाना जाता है। श्री राम ने यहाँ एक यज्ञ भी किया था। यही वह स्थान है जहां पर यह सूर्य मंदिर बना हुआ है।
गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इस मंदिर में हर साल एक डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। 3 दिन का यह फेस्टिवल संक्रांति के त्योहार के बाद जनवरी के 3rd वीक में मनाया जाता है। इसमें क्लासिकल डांसेस को उनकी ओरिजिनल फॉर्म और एटमॉस्फेयर में परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पूरा होता है हमारा आज का सफर। अगले एपिसोड में चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।